नमस्कार, आवाज आ रही है सर क्या? आपकी क्लास चल रही है मेरे अभी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, नहीं आ रही सर। एक मिनट, हाँ अभी आ जी रही सर, है? अभी अभी आगे सर, आगे स्टार्ट कीजिए सर। स्टार्ट हो गई? हाँ ठीक सर, ठीक हो गया। ठीक ओके ओके, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और सॉरी फॉर डिले, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन की। आ जाइए सभी लोग। एक मिनट, बहुत आवाज हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे कि जो जो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। आपके सही हो रहे हैं, सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। आपके सही हो रहे हैं, सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। तो चलिए लोग बात करेंगे। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए अपने उत्तर, जो जो आपने सही किए हैं, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन कौन से उत्तर जो है आपके। चलिए, ये बी सीरीज है, जिन लोगों के बी सीरीज हो वो लोग आ जाएं। और क्वेश्चंस वाइज जो है हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, चैती है ये कुछ है, सूची वन से सूची दो को सुमेलित करना है आपका। इसमें है चैती, कजरी, रसिया और सोहर। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन लगा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन में जो टिक कराऊंगा वो करिएगा, ये किसी और का पेपर है। तो चैती जो है, कजरी आप देखेंगे ये मौसमी गीत है, रसिया जो है ब्रज से संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपका। सोहर जो है ये संस्कार गीत है, यानी कि संस्कार यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं आदि पे गाया जाता है। तो अगर हम बात करें, और चैती जो है वो मौसमी गीत है, तो ए का 4 और बी का 3, बी का 3 कजरी, विवाह और मौसमी गीत ये भी है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। सभी लोग जो है अपने जो भी ऑप्शन सॉल्व किए हैं आप लोग, वो लोग यहाँ पर दिखाइए। अब यहां पर दिया गया है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध सही नहीं है। ठीक है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये सही है। दूसरा, हम लोग रेड पेन ले लें, इन्होंने भी रेड पेन ही, ब्लैक पेन ही यूज किया, हम लोग रेड पेन ले लेते हैं। 1 किलोबाइट बराबर जो है 1000 बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स होता है, ये भी सही है। और 1 गीगाबाइट बराबर 1 किलोबाइट नहीं, क्या होता है, मेगाबाइट, एमबी, एमबी इसमें छूट गया है, तो मेगाबाइट होता है ये मेगाबाइट होना चाहिए। आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आ जाइए सभी लोग, लाइव दिख नहीं रहा है। कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। यहां पर हम बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। पहला इसका हो जाएगा सी, 1 गीगाबाइट बराबर जो होता है 1024 मेगाबाइट होता है। चलिए यहां पर दिया है हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म झरने और उनके नाम। तो ये देखिए मणिकर्ण और ये तप्त पानी दो बार पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको याद ही होगा, ये दोनों सही हैं। ब्रजेश्वरी जो है ये महाराष्ट्र, ये भी सही है। गुजरात, ये नारायणी जो है, नारायणी जो है
ये कहां पर है? ये भी उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में है, तप्तपाणि भी उड़ीसा में, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करते रहिए। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कुछ कंपनी एक्ट दिए हैं, तो क्रोनोलॉजी खूब ढेर सारी पूछी गई है, बहुत ही शानदार पेपर है अब तक का जो है, बहुत सबसे बेहतरीन अगर इधर 4-5 सालों में देखें तो। यूपीपीसीएस जो है अब से अब तक का सबसे अच्छा पेपर इसने पूछा है। यहां पर हम देखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 सही है, भारतीय संविधान अधिनियम जो है वो 1872 है, 1800 बाकी के साझेदारी नियम, और ये दोनों सही हैं। आपका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग जो इस पे टिक किया हुआ वो ना देखें, जो मैं रेड पेन से कर रहा हूं वो सही उत्तर है आपका। अब ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो अब इस पर जो है ऑथेंटिक इसमें आंसर अभी नहीं मिल पाया है, 50% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये मैं अभी आपको कुछ चीजें, कुछ प्रश्न हैं जिनको जिनके उत्तर नहीं मिल पाए हैं, मैं कल एक वीडियो बना दूंगा, तो ये आप उसको नोट कर लीजिएगा। 5 पे मेरे ख्याल से 55 होना चाहिए, लेकिन आधिकारिक जब तक हम ढूंढ नहीं लेते हैं डेटा, तब तक जो है यहाँ पर आपको हम बताएंगे नहीं। ठीक है, तो इसको डिलेमा में आप रखिएगा। अभी काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी? ठीक है, कितना क्या किया था आप लोगों ने? तो ये आप सभी को पता है, राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर में दी गई थी, ये सही उत्तर है आपका। उत्तर प्रदेश के किस शहर में किस डेट को दी गई थी? तो 19 दिसंबर 1927 में गोरखपुर में इनको एग्जीक्यूशन किया गया था, यानी कि इनको फांसी की सजा दी गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है, अपने अपने उत्तर भी और जो सही उत्तर है तो इनकी डेट भी यहीं पे नोट भी बना लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। चलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में प्रारंभ हुई? कौन सा उत्तर लगाया आप लोगों ने? थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपने उत्तर भी बताते रहिए। केबल कार सेवा जो है पहली कहां पर प्रारंभ की गई? तो ये एक्चुअली होना चाहिए वाराणसी, लेकिन वाराणसी से विंध्याचल, तो मेरे ख्याल से ये मिर्जापुर होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की केबल कार सेवा, ये केबल कार सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो ये मिर्जापुर होगा। अगला जो है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व, ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है। औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बैसिल, बैसिल इसको बोलते हैं ना, आप देखेंगे तुलसी प्लांट, इसको बैसिल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, बैसिल प्लांट में फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से तुलसी का एक महत्व जो है औषधीय महत्व, यानी कि इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। इसको आप लोग कर लिए होंगे, किसके किससे नहीं किया जा सकता, ये चेयर ही होगा। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट जो है कई बार मैं बता चुका हूँ, इन्वायरमेंट में ये लगभग 500 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत का माना जाता है। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 2 हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, इसको आप सॉल्व करिएगा। यहां पर ये देखिए कितना बढ़िया कालक्रमिक घटनाएं और क्रोनोलॉजी खूब ढेर सारा पूछा है। ठीक है, तो 11 नंबर का उत्तर जो है आपका क्या होगा? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी, तो ये गदर पार्टी अभी तो 1913 हमने देखा था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन जो है ये कब हुआ था? ये 1905 लाला इनके द्वारा। हिक्की बंगाल गजट कब पारित हुआ था? तो इसी इन्हीं दोनों से हो जाएगा आपका। तो ये आएगा सबसे लास्ट में 13, आप देखेंगे सबसे लास्ट में आएगा 1 और उससे पहले आएगा 2। ठीक है, ये कोई ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा है, तो यहीं से आप कर देंगे अगर ये दोनों आपको नहीं भी पता है तो भी। ठीक है, बंगाल गजट मेरे ख्याल से 1875 है, विलियम जोन्स जो है ये 1885 के 80 1800 कुछ के बाद, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा ये, दूसरे पर ये, यानी कि ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा और ये चौथा, आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, जिनके जिनके अपने उत्तर भी मिलाते रहिए आप लोग अपने उस पे अपने बुकलेट से कि कितना आपके उत्तर सही हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां पर बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला, मैंने बोला था कि बार बार आप जो चीजें पूछी जाएं वो कहां बनाया जा रहा है, वो नासिक में बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला रबर टायर आधारित जो पेरिस बेस्ड है, पेरिस के टेक्नोलॉजी पे आधारित है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, ये बहुत दुर्गंध के कारण होता है। तो सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, या अगर आप देखेंगे रिफाइनरीज जो होती हैं, रिफाइनरीज नहीं, गैस एक्सट्रैक्शन में इसको जो हम लोग देखते हैं उसमें यूज होता है ये। इस पे आप याद रख लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ए। ठीक है, आपका उत्तर होगा ये ए वाला, सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थों से ये हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब यहां पर जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति कब दी गई? संस्तुति दिखाए, रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि आपका, पहले तो हम देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की जो संस्तुति हुई थी 1957 में बी आर मेहता द्वारा, केवीएस, केवीएस कब आया था? की इनिशियल विलेज स्कीम, की विलेज स्कीम कब आया था, कितने लोगों ने किया है? की विलेज स्कीम, हालांकि इन्हीं से हो जाएगा आपका, की विलेज स्कीम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये भी क्या हुआ था आपका, 1952 में ही हुआ था। और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ये 1950 में हम लोग मानेंगे। ठीक है, और जिला डीआरडीए, डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कब से शुरू हुआ था? ये सबसे लास्ट में होगा मेरे ख्याल से 1999 में। तो ये हो जाएगा, पहले पे तीन होगा, दूसरे पे एक होगा, उसके बाद तीन होगा, ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आपका उत्तर कितना हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजाति जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। जनजातीय जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसको भी अभी ये मिला नहीं है, इसको भी हम डिलेमा में रखेंगे। कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल जो है 2020 में निम्नलिखित में से उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख किसका किसका नहीं गया है? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2000, किस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है? आवाज क्लियर आ रही है? तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जोर दिया गया एपीएमसी,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, संविदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आवश्यक वस्तुओं के बारे में मेरे ख्याल से इसमें बिल नहीं दिया गया है। वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सभी इनकी बातें की गई हैं। एक मिनट, इसमें इसेंशियल आएगा, एमएसपी नहीं होगा ना इसमें। आप लोगों ने क्या लगाया है इसमें जो है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड फैसिलिटेशन बिल, द फार्मर एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस फॉर्म सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अलग से आया है, तो मेरे ख्याल से एमएसपी नहीं होगा ये। 16 का एमएसपी नहीं होगा, ठीक है। एक बार कमेंट भी करते रहिए आप लोग, आवाज़ मेरे ख्याल से बीच बीच में चली जा रही है क्या। तो ये एमएसपी होना चाहिए, ठीक है। आवश्यक एसेंशियल बिल तो इसे आवश्यक वस्तुएं तो इसमें दिया ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है, मिलियन सिटी कौन सा नहीं है, कौन कौन सा ऑप्शन आपने किया है। तो आपने देखा होगा कि कौन कौन से शहर हैं जो मिलियन सिटी में जाने जाते हैं, तो कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है। इनके अगर आप सारा याद कर लें, उसको कावाल नगर करके एक फार्मूला है जिसमें क्या है, कानपुर है, लखनऊ है, सबसे ज़्यादा किसमें हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, जो मुरादाबाद आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। तो ये कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कुल सात हैं, 1 2 3 4 5 6, और कौन सा बचा है, मेरठ। ये हो गया आपका मुरादाबाद, जो है आपका उत्तर में होगा, मुरादाबाद जो है इसमें नहीं शामिल है। एमएसपी ही होना चाहिए। अब यहां पर पूछ रहा है भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। कुछ प्रश्न जो है आसान है लेकिन पेपर बड़ा ही सटीक बनाया गया है। अब जैसे यहां पर देखिए, गहरी फसल चक्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए, तो ये जो है आपका सही है, आपका उत्तर होना चाहिए केवल बी। आयोग देखते हैं इसमें क्या उत्तर देता है, लेकिन मेरे अनुसार जो है उत्तर होना चाहिए बी। अगर कोई किसी भी प्रकार से किसी प्रश्न में कोई डिस्प्यूट हो, कोई गलती हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैंने कोशिश की है कि एक्यूरेट आपको आंसर दी जाए। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं ऐसे भारतीय राष्ट्रपति जो, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी, ये चौथे हमारे फोर्थ लोकसभा अध्यक्ष थे, फोर्थ लोकसभा स्पीकर, और प्रेसिडेंट भी रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये नाइजर में रामतिल की जो फसल होती है, नाइजर क्रॉप इज ऑयल सीड क्रॉप,
व्हाट इज द कंटेंट, तो ये अभी मिला नहीं है, इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। कुछ प्रश्न जो है उसको मैं कल कल मैं बता दूंगा एग्जैक्ट, जिसका मिल जाएगा। तो 2011 की जनगणना के लिए मिनिमम लिंगानुपात कौन से प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये दमन दीव है। आपका उत्तर होगा यहाँ पर 700 कुछ है, देख लीजिएगा एक बार, इसका जो है सबसे कम है, 800 कुछ जो है आपका चंडीगढ़ का है, 22 पर है। 23 नंबर पर है प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहां से जो है ये सही बात है, यहां पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहां पर पाया गया है। अभी जो है हिस्ट्री में हमने देखा मेहरगढ़ था, उसके बाद जो है ये बनारस के पास जो है कोई जगह पाई गई है, और कृषि में जो पुराने जो प्राचीनतम प्राप्त अन्न जो है वो जौ और धान है, जौ धान गेहूं ये सब प्राचीनतम है, तो दोनों ही कथन इसके सही होने चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसको भी देखना पड़ेगा। 6 सूत्री प्रस्ताव गुजराल डॉक्ट्रिन से समझ में आ रहा है, लेकिन इसको मैं डिटेल जो है कल आपको डिटेल बता दूंगा एग्जैक्ट क्या है इसका। इसमें आपने गिना होगा तो 3 और 18 होने चाहिए, एक बार काउंट कर लीजिएगा कितने इसमें हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये मेरे ख्याल से कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, ये गलत लग रहा है, तो आप जो है एग्जैक्ट इसका मैं डेटा जो है अभी मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, बाकी जो है आप इसको दो केवल एक मान करके चलेंगे, हालांकि इसको हम लोग डाउट में अभी रखेंगे। तमरिया जो जनजाति है तमरिया ट्राइब जो है वो कहां से संबंधित है, तमरिया ट्राइब किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान की एक जनजाति है तमरिया, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SGD इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2021, तो ये भी देखिए UPPCS में भी पूछा था SDG इंडेक्स, कौन कौन से जिले जो है इसमें, कौन कौन से राज्य जो है इसमें शामिल हैं, टॉप 10 में, टॉप 10 हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से यहां पर। केरला, आंध्र प्रदेश, एक मिनट, यहां पर देखिए बिहार,
झारखंड असम जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। टॉप पर जो है केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तो झारखंड इसमें होगा सबसे वर्स्ट पोजीशन में। सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर सबसे वर्स्ट पोजीशन में झारखंड नहीं है, पंजाब, केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम और महाराष्ट्र। असम, झारखंड, बिहार, टॉप 10 में सिक्किम है, पंजाब है, इसको भी मैं चेक करके बता दूंगा अभी। यह आसान प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर रैंकिंग आपको याद हो, एग्जैक्ट रैंकिंग मिल नहीं रही है। निम्नलिखित में से किस देश में कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है? तो ये दोस्तों नॉर्वे, नॉर्वे जो है इसमें 99% जल विद्युत ऊर्जा का यहां से। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ऑफ फिशेज। तो ये चाइना, इंडिया, इसके बाद है इंडिया। फिशरीज देखेंगे आप तो चीन का स्थान जो है इसमें पहला है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ प्रश्न छूटेंगे तो उनको हम लोग कल कर लेंगे। भारत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है जीडीपी में, जो आप देखेंगे तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, सबसे ज्यादा जो है आपका सर्विस सेक्टर का होता है, हमेशा 50% से ज्यादा है। ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी जो है उसके लिए जीआई टैग, ब्लैक पॉटरी जीआई टैग, निजामाबाद जो है अभी देखिए, निजामाबाद जो है इसमें फेमस है ब्लैक फैक्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो है ये खुरजा ही होगा। धूपगढ़ चोटी जो है वो कहां पर स्थित है, एक बार कमेंट बॉक्स, आपको आवाज तो बीच बीच में कट नहीं रही है, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग क्या क्या उत्तर किए हैं। चलिए इसका बताइए, धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? धूपगढ़ चोटी बताइए,
ये सही आपका उत्तर है, सतपुड़ा। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा सतपुड़ा। अभी देखिए क्या है कि एक रीजनिंग का प्रश्न है, ये मेरे ख्याल से आसान प्रश्न है। जैसे गुप्त संदेश कोड में होटल को 300 लिखा जा रहा है, तो उसी में बोर को क्या लिखा जाएगा? मेरे ख्याल से इसको जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 में 5 अंक हैं, तो 5 का गुणा करेंगे तो 300 होगा। इसको जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 40 आएगा। इसमें जो है आप गुणा करेंगे 4 का, तो 160 आना चाहिए। वेरी गुड, तो ये 160 होगा। इसको तो आप लोग किए ही होंगे, रीजनिंग तो आसान आसान रीजनिंग था इस बार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा कम नगरीकरण का प्रतिशत है? तो हिमाचल प्रदेश, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, हम पूछ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नरों की कालानुक्रम पूछ रहा है इसमें। तो सी रंगराजन आप देख रहे हैं, आईजी पटेल देख रहे हैं। तो आईजी पटेल कब से कब तक थे? ये आईजी पटेल जो है सबसे पुराने हैं, तो दो तो पहले पे रहेगा, आईजी पटेल। उन्नीस सौ सतहत्तर से लेकर के 1982 तक, 1977 से लेकर के 1979। मनमोहन सिंह कब से कब तक थे? ये दो चीजें अगर आप लोग यहां पर एक बार, ये 82 से 85 तक थे। तो ये पहले दो नंबर पर हो गए, तीसरे चौथे पर ये हो गए आपके। सी रंगराजन कब से कब तक थे, डी सुब्बाराव कब से कब तक थे, ये सारा नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे उसके बाद सी रंगराजन होंगे, 2, 4, फिर 1 और फिर आएगा 3। उसके बाद सबसे बाद में डी सुब्बाराव 2008 से 2013, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो है हम प्रश्न देखेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, कुछ ही प्रश्न जो है आपको नहीं मिलेंगे। अब्राहम एकॉर्ड जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो ये इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा सी। क्या उत्तर लगाया था आप लोगों ने? देखिए पेपर बहुत ही अच्छा बनाया है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और इससे जो है एक सॉरी मैं थोड़ा सा ठीक है चार्जिंग में लगा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसा हुआ पेपर अंकित? इसमें जो है कुछ प्रश्न मैंने अभी सॉल्व नहीं कर पाया है, टाइम थोड़ा कब मिला। चलिए ये तो प्रश्न
सभी ने। चलिए जल्दी बताइए 38 का क्या मारा है आप लोगों ने। आप लोग उत्तर भी बताते रहिए कितने लोगों का कितना सही हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, एक दो दिन का वेट करिए, कल मैं पूरी ऑथेंटिक आंसर की आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर था। देखिए एलुवियल जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, सही है। काली मृदा महाराष्ट्र में, मरुस्थली मृदा राजस्थान में, और लाल मृदा जो है आंध्र प्रदेश में। तो आसान सा प्रश्न है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, कुछ 8-10 प्रश्न मुझे नहीं मिल पाए हैं। अब देखिए ये आसान सा प्रश्न ये भी है, इसमें क्या है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब, सही है। इसमें क्या होगा, सीपीयू, ये कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल होता है। ठीक है, सेंट्रल, तो आपका हो जाएगा ये सी। चलिए समुद्री मैंने पढ़ाया था इसको डिटेल में, मैंने यास, तौकते, गुलाब सब बताया था। तौकते कहाँ आया था, अरेबियन सी में आया था, वेरी गुड। चलिए बहुत सारे करंट के 2 प्रश्न छोड़ करके सारे प्रश्न आए हुए हैं। अब ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसको निगेशन से करेंगे हम। कॉमर्शियल एनर्जी के रूप में ऑयल एंड गैस है ही, तो ये तो नहीं होगा। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है, जानवरों का गोबर, ये भी नहीं होगा, ये भी सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो सौर ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है क्या, इसमें क्या लगाया आप लोगों ने, मेरे अनुसार ये होना चाहिए ए। आप लोगों ने क्या लगाया है, इसको मैं रीचेक कर लूंगा और कल जो है एक और ऑथेंटिक वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। पारंपरिक लोक नाट्य जो है भांड पाथेर, ये भांड पाथर पाथेर इसको बोलते हैं, ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये रीजनिंग का है, आप लोग करे ही होंगे। इसमें क्या होगा, 43 वाले में क्या ऑप्शन होगा, 43 का ऑप्शन क्या होगा सही, इसको कर लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, ये क्या पूछ रहा है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, घटते क्रम में प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ की होती है। अच्छा JR6, अच्छा इन्होंने जो लगाया है सही लगाया है। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ की होती है, तो मैंग्रोव की होती है। मैंग्रोव के बाद घास का मैदान, फिर झील, फिर सागर, मेरे ख्याल से ये सही है, इन्होंने सही लगाया है, सही उत्तर होना चाहिए यही। ये पूछा है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संविधान में के अंतर्गत जो है राज्य सूची का विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित, तो ये आर्टिकल 243 है, कितना होगा, यही होगा ना, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि संसद को किसी अन्य देश, ठीक है, से कोई भी संधि करार आदि के लिए यह राज्य क्षेत्र या किसी अन्य भाग में विधि बनाने की शक्ति देता है, राज्यसभा की शक्ति है, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, 253, ये लगातार कई बार पूछ चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न हम करेंगे, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, इसका निर्माण, इस पे क्या ऑप्शन आप लोगों ने लगाया, जल्दी से बताइए। भितरगांव, इसका निर्माण किसके काल में हुआ था, तो ये जो टेम्पल है ये 5वीं सदी में, ये गुप्त काल में, इसका गुप्ता का है, तो ये पहला वाला तो सही है, 5वीं से 6ठी शताब्दी में। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये दोनों ही कथन सही है, मेरे ख्याल से ये आपका सी उत्तर सही है। क्या लगाया था आप लोगों ने, इसमें कौन सा उत्तर लगाया था आपने, ठीक है, दोनों ही सही होगा, वेरी गुड। अब ये है, कौन भारत आने वाले यात्री में पुर्तगाल से नहीं है, तो बारबोसा है, डोमिंगो है,
डोमिंगो पायस है, नूनीज है, पीटर मुंडी, ये ब्रिटेन से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं ये? ब्रिटेन से। चलिए 47 का भी सी होगा, 48 बनारस विद्रोह, राजा चेत सिंह, ये उत्तर सही होगा। इसका भी 48 का भी सी होगा। यहाँ पर आसान प्रश्न दे दिया है आपका ज्योग्राफी से, मैंने बोला था कि ये चीज़ें जो है आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, अरे क्या बोलते हैं, डेटा जो है इकोनॉमिक और आर्थिक डेटा काफ़ी अच्छा पूछा है। इसमें क्या है, रबर जो है थाईलैंड की मुख्य फसल है, पता ही है आपको। जैतून स्पेन, ये ठीक है, स्पेन सही है। गन्ना ब्राज़ील सही है। आपका कहवा जो है ये मंगोलिया में नहीं होगा, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ये। नदी का जल प्रदूषण मैंने बताया था ना, दो तीन चीज़ें बनाया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब हम लोग बायो की क्लास कर रहे थे, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जल में जो घुली होती है उसका 40-50 का क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने देखा था, बायोलॉजिकल और डिजॉल्व ऑक्सीजन हमने बताया था बार बार ना, तो तीन टर्म्स बताए थे, 50 का हो जाएगा आपका डी। मिताली एक्सप्रेस कहां से कहां तक जा रही है? ढाका से मिताली एक्सप्रेस, ढाका से कोलकाता होना चाहिए ना, चलिए ये सही है, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी है, सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी से जा रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय एक पहल अभियान, कराया था करंट अफेयर्स में, किया है सही आप लोगों ने इसको, हाँ ये डी सही है, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी जो स्टेशन है वो न्यू जलपाईगुड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये न्याय व्यवस्था, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको न्याय से संबंधित है, ये मैंने कराया था, ठीक है, करंट अफेयर्स जो लोग किए होंगे, हालांकि करंट अफेयर्स उतना नहीं पूछा था, करंट से जोड़ के बहुत अलग चीजें पूछी थी, मैं बताऊंगा इसको कि कैसे। अच्छा ये वाला बताइए, फिजिक्स वाले इलेक्ट इंजीनियर लोग बताइए, 53 का क्या होगा, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो या समांतर क्रम में, यानी कि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज या पैरेलल, इसमें क्या होगा, इसमें मेरे ख्याल से ये पैरेलल सीरीज में जोड़ेंगे तो, ठीक है ना, ये बी 53 का बी होगा, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर कुछ पूर्व ये बोला गया है, इसमें देखिए कोल अलीगढ़ को बोला गया है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाग भुक्ति ये किसको बोला गया था, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड, यही होगा होना चाहिए मेरे ख्याल से, जेजाग भुक्ति जो है कहां से होगा, जेजाग भुक्ति देखा था किसी ने, जेजाग भुक्ति जो है वो एंशियंट नेम कहां के लिए था, चेदी महाजनपद, बुंदेलखंड को जाना जाता था ना कि कौशाम्बी को, ठीक है, तो ये आप लोग इसका जेजाग भुक्ति डी होगा। ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है, एरिया में अगर बात करें, जैसे ट्यूबवेल से ट्यूबवेल इरिगेशन क्या लगाया आप लोगों ने,
सबसे ज्यादा जो है ट्यूबवेल इरिगेशन उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। वेरी गुड। इसका जो है थोड़ा सा ये पलट गया है, अरे बाप रे तो गड़बड़ हो गया है। इसको मैं देखता हूँ अगर घूमता है तो। इसके कुछ प्रश्न हैं, अरे रे रे रे, चलिए मैं पढ़ देता हूं। जैसे दा विंसी और वर्टियास नासा के जो मिशन है वो किससे संबंधित है? शुक्र से संबंधित है, ठीक है। इसको मैं कल डिटेल में कराऊंगा। बृहस्पति से जो है हमने बताया था, वो दूसरा कौन सा था? तो ये शुक्र से संबंधित है, ठीक है, इसी तरह से मैं पढ़ दे रहा हूं। संगम योजना जो है वह किससे संबंधित है? संगम योजना जो है वह किससे संबंधित है? संगम योजना, पेपर बड़ा मुश्किल से, संगम स्कीम, तो ये है विकलांग लोगों के कल्याण से, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, विकलांग लोगों के कल्याण से। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2020 में वन धन योजना के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण का राज्य दिया गया? तो ये नागालैंड को दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन था, यह हमने कराया नहीं था लेकिन आपके एग्जाम में पूछा है। इसमें जो है आपसे पूछा है कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना है और क्या क्या चीजें हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमल के नाम से जानी जाती थी, दूसरी जो है महलनोबिस से, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। और निम्नलिखित में से किसने सीमाओं की सुरक्षा के लिए, इसको मैं कंफर्म करूंगा लेकिन मेरे ख्याल से ये अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी होने। आप लोगों ने क्या लगाया इसको मैं कंफर्म करूंगा, इस पर मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। ये विकलांग लोगों से संबंधित है, ये नागालैंड है और ये आपका अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, क्योंकि मंगोलों को एकमात्र ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने मंगोलों को रोका था, तो यही होगा। इसको देखना पड़ेगा डिटेल में पुस्तक में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कौन सा जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह नहीं है? तो पोलिनेशिया, पोलिनेशिया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि निम्न में से कौन तो टोंगा है आपके पैसिफिक ओशन, वही मेलिनोशिया में, तुवालु ताहिती भी है। अब तुवालु जो है ये पोलिनेशिया में नहीं ओशनिया में आता है, तुवालु, तो मेरे ख्याल से यही उत्तर होगा आपका। बाकी ताहिती तैनियन जो है ये सभी आता है। अब ये देखिए विवादित एक प्रश्न पूछा है, इसमें दो उत्तर होंगे, जो एसेंशियल एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, सभी एसेंशियल एमिनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडा में भी होगा, मछली में भी होगा, ठीक है। ये प्रश्न एक बार आयोग पूछ चुका है और दोनों उत्तर मान चुका है, ठीक है, दूध अंडा मछली तीनों में। ट्यूबवेल में भी क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा है, एक बार उसको कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो हम उसको कल एग्जैक्ट दिखा देंगे प्रतिशत कितना है कैसा है, ठीक है। नहरों से सिंचाई में भी है, यूपी क्षेत्रफल पूछा ना, चूंकि यूपी में क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, पंजाब से दुगुना है, तो नहरों की सिंचाई में भी वही होगा। ये अंडा और मछली दोनों हो सकता है आपका उत्तर, दोनों आप लोग करेंगे तब भी ये सही होगा, क्योंकि ये उत्तर जो है आपका बदल सकता है, ठीक है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अंडा किया होगा उनका भी सही होगा, जिन्होंने मछली किया होगा वो भी सही होगा। अब ये भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। सही बात है, कथन है, इसका कारण नहीं है। ये एसोसिएशन का गठन किया था वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। सही बात है, तो ये दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर उल्टा सीधा कर दिया है ऑप्शन। यहां पर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है, ये तो सीधा सीधा होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में 10 होता है, 11 होता है, मेरे ख्याल से 11 होगा। इन्होंने सही लगाया उत्तर। और कौन सा तीन से भिन्न है, तो दिशा, कंपास, चुंबक, सुई। तो ये तो सब इसमें आ रहा है, इसमें क्या होगा 11। ये बताइए 65 में दिशा, कंपास, सुई और चुंबक। तो कंपास जो होता है उसमें निडिल भी होती है, चुंबक भी होता है और दिशा भी बताता है, इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, रीजनिंग का है, आप लोग कर लीजिएगा। हाँ ये अच्छा प्रश्न है, ये भाषा है और कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, डेनिश डेनमार्क में, डच जो है नीदरलैंड, मंदारिन चीन में, बहासा जो है ये इंडोनेशिया में बोली जाती है, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में बोली जाती है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न जो है अभी डिटेल में देखना पड़ेगा इसको। मनुष्य का कान जो है सर्वाधिक किस पे होता है, क्या होता है, ये इस एग्जैक्ट जो है डेटा इसको मिला नहीं है अभी, इसको भी हमें कल इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट डेटा जो है, ये कैसा प्रश्न पूछा है, इसमें क्या होगा, रीजनिंग वाला है ये। 4 5 20, 2 6 3 18, इसमें क्या होगा 68 का। अच्छा ये 66 का, 67 का क्या होगा, डी होगा, इसको देखना पड़ेगा क्या होगा, डी होगा या क्या होगा, इसको देख लीजिएगा, रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जो है नदी तट पर स्थित नहीं है, तो भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर, भद्रावती नहीं होना चाहिए, इसको भी मैं देख करके बताऊंगा, भद्रावती। वैसे 69 का क्या किया है आप लोगों ने, भद्रा रिवर पे है भद्रावती, जमशेदपुर तब नहीं होगा, इसका उत्तर क्या मारा है आप लोगों ने, इसका आंसर क्या मिल रहा है? अच्छा इसका 6 होगा, वो देख लीजिएगा, रीजनिंग का है इसका, भद्रावती तो भद्रा रिवर पे है, जमशेदपुर कौन से रिवर पे है, सुवर्ण रेखा पर है ये, तो ये भिलाई हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको देख के मैं कल कल बताऊंगा एग्जैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स है, तो कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है ब्रेंट जो है, और यहाँ पर मकड़ियों द्वारा उत्पादित
मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो ये गोसा गोसामर रेशम कहलाता है। आप देखिएगा टसर मूंगा तो आपको पता होगा अहिंसा रेशम जो है ये तीन से है। बाकी जो प्रश्न हैं इनको जो है हम लोग कल देखेंगे, आज थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ सारे, फिर इसके बाद हम कल शाम को इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। हाँ आंसर मैं भेज देता हूँ, अभी मैं कुछ प्रश्नों पे आंसर जो है सटीक नहीं मिल पा रहा है, तो इसको कल ऑथेंटिक आंसर की के साथ मैं लेक्चर बनाऊंगा। अभी हिंदी का 10 मिनट बाद जो है हिंदी का हम लोग क्या करेंगे करेंगे आंसर की, वो ज़्यादा उसके सारे आंसर अभी मैं कर लिया हूँ, तो हिंदी का उत्तर जो है हम लोग अभी देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जिन लोगों को भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमारे प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी यूपीपीएससी पर ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आप जो है मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी, और मेंस की तैयारी के लिए हम लोग कई प्रोग्राम जो है अब देखिए यहीं से कई आपको जो है प्रश्न आपके सीधे सीधे जो मैंने कराए थे ना हिंदी में, तो सीधा सीधा आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है। अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पे ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्या है वो देख लीजिए, बैच कोर्सेज चल रहे हैं मेंस के। हिंदी अच्छा हुआ है, लेकिन हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो हमारी। अभी देखिए पार्वती से मैंने ये कराया था ना, देखिए यहीं से आया था प्रश्न, बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्रश्न आया। पार्वती से मैंने कराया था ना, क्या पूछा था इसमें, अपर्णा पूछा था ना, अपर्णा पार्वती वाला अपर्णा पूछा था, और भौंरा वाला पूछा था कुछ। चोर पूछा था, देखिए मैंने कराया था चोर वाला कराया था ना, खनक यही पूछा था ना पहली बार, देखिए खनक करा दिया था, यही मिल गया था आपको। और दिखा रहे हैं ये यही नोट्स मैंने बताया था अभी आपको, जैसे तलवार वाला चंद्रहास एक था, यहां पर देखिए पृथ्वी का पूछा था, वसुधा मैंने कराया था पूरा डिटेल में, अभी दिखा रहे हैं आपको हिंदी का, इसके बाद हम लोग करेंगे और सारे। बिजली का देखिए दामिनी, दामिनी पूछा था ना, सौ दामिनी दामिनी चपला, बाकी चीजें तो आसान आई थी। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन हैं, ठीक है ठीक है। आप जो है सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट जो है आप देख सकते हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग हिंदी के लेक्चर हिंदी का जो है पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, आप 12,240 इसमें देना होगा आपको। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,350 है, जो 8,415 देना होता है, ठीक है। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन हैं, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद तुरंत जो है।